मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने तर्क सुन लिया जो महेश वर्मा जी ने दिया है और उस पर राजनीतिक रूप से जो बातें कही जा रही हैं वो भी आपने सुन लिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कह देना कि अब तक अगर किसी एमओएस होम ने प्रभाव नहीं डाला और इतना निष्पक्ष होकर के एक एसआईटी ने ये जांच की है तो हमको यकीन कर लेना चाहिए कि एसआईटी पर कोई दबाव नहीं है। आपको लगता है कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है? जी संकेत जी, पहले तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ एसआईटी को और ये एक नए युग के रूप में देखना चाहिए हम लोग। एक समय था जब एसआईटी को या राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां होती थी या केंद्र की जांच एजेंसियां होती थी, उनको सरकारी टूल के रूप में देखा जाता था। उनको ये माना जाता था कि वो सदैव वो सरकार के दबाव में काम करती है या उनमें सरकारी हस्तक्षेप होता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर यही घटना सपा सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार में हुई, मैं तो देखता आया हूँ जैसे होता है, ये इस तरीके से एसआईटी की या इस तरीके से सीबीआई को भी रिपोर्ट्स आती है, इस तरीके से रिपोर्ट्स नहीं आती हैं जो सीधा सरकार पर पड़ा। इससे ये पूरी तरीके से साफ है, ये तो मंशा सरकार की जाहिर हो जाती है कि सरकार किसी भी तरीके से इन जांच में कोई भी हस्तक्षेप अपनी तरफ से नहीं करना चाहती थी। सरकार भी ये चाहती थी कि हमें जो रिपोर्ट मिले, जो विवेचना हो, जो इन्वेस्टिगेशन हो। सवाल मेरा दूसरा था भावेश जी, अब इतिहास में जो हो रहा था, अब तो पिछले 4-4.5 साल में भाजपा की सरकार पर भी उत्तर प्रदेश में काफी आरोप लगे हैं कि कितना बीच बचाव किया है। बहुत सारे सांसद, कुछ विधायक, उन पर भी आरोप लगी है, वो लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपको स्थानीय स्तर पर बता देता हूँ, मैं जिस जिले से आता हूँ वहाँ के विधायक पे एक आरोप लगा और 72 घंटे की जांच हुई। सरकार ने जांच कराई और उसके बाद वो 72 घंटे की जांच में घर को सील करके जांच कराया गया। मैं स्थानीय बात बता रहा हूँ जहाँ से मैं जानता हूँ चीजों। आप छोटे से छोटे आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता में आप यही अंतर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जैसे कल नियमों कानून पे चलता है वैसे ही आज भी चलता है। मैं किसी पे कोई आरोप नहीं लगाता कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता क्या करता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता क्या करता है, ये नहीं कहूंगा। लेकिन दोनों समय में गुंडागर्दी, चाहे माफिया, चाहे जो। चलिए, अब मैं एक सवाल राजनीतिक रूप से पूछना चाहता हूँ और ये डॉक्टर राठी से मैं शुरू करता हूँ।